I will not accept it. No! बस संभालो अपने आप को। होनी को कौन टाल सकता है? क्यों? हम होनी को क्यों नहीं टाल सके? मेरे बेटे को कभी खुशियां नहीं मिली। वो इतने दिनों से परेशान था, जिंदगी और मौत से लड़कर निकला, और ये सब उसने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उसको ये हुआ, उसको ऐसी सजा क्यों मिली? वसुंधरा, प्लीज। वसु, प्लीज प्लीज ट्राई एंड कंट्रोल योरसेल्फ। वसु, पीयूष एक बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था, शायद हम लोग उसके लायक नहीं थे। जानती हो, भगवान को भी अच्छे लोगों की जरूरत इंसानों से कहीं ज्यादा होती है, इसीलिए भगवान ने उसे हमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। मामा, मामा प्लीज चुप हो जाइए, कशिश भाभी सुन लेंगी। तो फिर मैं क्या करूं? वसुंधरा, अपने आंसू पोंछ लो। देखो, कशिश तुम्हें देखेगी तो तुम्हें कशिश की पड़ी है। I have lost my son. Damn it! Damn it! वसुंधरा, मैंने भी अपना बेटा खोया। सुन रही है तुम? मैंने भी बेटा खोया अपना। मैं इस घर की बहू और पीयूष के होने वाले बच्चे को नहीं खोना चाहता। वसुंधरा, कशिश के लिए ना सही, मगर अपने पोते के लिए नहीं। चुप हो जाओ प्लीज। स्टॉप क्राइंग, प्लीज चुप हो जाओ। मामा, मामा प्लीज चुप हो जाइए, कशिश भाभी आ रही है, चुप हो जाइए। कम ऑन बसु, वाइप योर टीयर्स, वाइप, खड़े हो, उठ, बस बस बस। अच्छा हुआ आप सब लोग साथ में ही हैं। मैं आप लोगों से मिलने ही आ रही थी। आप सबको तो पता ही होगा कि आज पीयूष और मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। मैं आप लोगों को ये टेप दिखाना चाहती थी। ये टेप पीयूष के लिए सरप्राइज होगा। आप सब लोग पूछेंगे नहीं कि इस टेप में क्या है? क्या है बेटा इसमें? यादें, हमारी शादी से लेके आज तक की सारी यादें हैं इसमें। आप सब लोग भी हैं इसमें। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। लेकिन आप लोग प्लीज पीयूष को इस टेप के बारे में कुछ मत बताइएगा। इट विल बी अ बिग सरप्राइज फॉर पीयूष। आप लोग वहां क्यों खड़े हैं? जल्दी आइए। बस। अरे आइए मामा। पापा आप कितने अच्छे लग रहे हैं। जागो सोने वालों, सुनो मेरी। ये तो बाकी सो रहा है। पीयूष, 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 जा ना यार। सूरज, मैं कहाँ जाऊँ? सूरज जा यार, क्या कर रहा है यार? तेरे साथ? हेलो, तेरे साथ मुझे कुछ करने का इरादा नहीं है।
चलो सुजा 5 मिनट यार उठता हूँ। अरे जाना नहीं है क्या? पिछले आधे घंटे सुन रहा हूँ। 5 मिनट 5 मिनट उठ यार, 5 मिनट जाना है। आधे घंटे से 5 मिनट, सारी जिंदगी 5 मिनट करके सोने का रहता है क्या? चल यार सुजा, काश ऐसा हो जाए यार। कैसा हो जाए? कि मैं सारी जिंदगी ऐसा ही सोता रहूं और मुझे उठाने के लिए कोई भी ना। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे सोना नहीं दूंगा। हेलो अंकल, मैं पीयूष को लेकर निकल रहा हूँ। पापा देखिए ना, पापा आप और पीयूष कितने अच्छे लग रहे हैं। पापा आप किससे फोन पे बात कर रहे हैं? ए बेटा मेरा क्लाइंट है, एक मिनट। आप लोग तैयारी कर लीजिए अंकल, अंतिम संस्कार की हमें जल्दी करना होगा। बहुत ज्यादा ज़्यादा देर तक नहीं रे, आई मीन पापा जल्दी आइए ना पापा। एक मिनट बेटा, आप सुन रहे हैं अंकल? हाँ पापा। हाँ हाँ हाँ, हम लोग कंसाइनमेंट के लिए तैयार हैं। को भी ना बस काम काम काम। वरुण बेटा एक मिनट, वरुण पीयूष की बॉडी वहां से निकल चुकी है, किसी भी वक्त यहां पे पहुंच जाएगी। बेटा तू प्लीज कशिश को यहां से बाहर ले जा। भाभी को बाहर ले जाओ। वरुण कशिश पीयूष की बॉडी नहीं देखेगी। पापा कशिश भाभी पीयूष भैया के अंतिम दर्शन नहीं लेंगे। नहीं पापा नहीं। वरुण वरुण इन बातों से बढ़कर है कशिश और उसके बच्चे की सलामती। कैसी सलामती पापा? एक पत्नी अपने पति को आखिरी बार नहीं देखेगी। आप उसे यह नहीं जीत सकते। वरुण प्लीज बहस मत कर, वक्त बर्बाद मत कर बेटा, कुछ भी कर, कोई भी बहाना बना, बस कशिश को यहां से ले जा। नहीं पापा तो तेरे हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो बेटा प्लीज। बाबा भाभी। हाँ वरुण। भाभी कम ऑन हरी अप, लेट्स गो। कहाँ? भाभी आपको आपका लहंगा ठीक करवाना है ना, यहीं पास में बहुत अच्छी दुकान है, दोनों चल के करते हैं, चलिए। वरुण मुझे टेप देखना है, तुम जाकर ठीक करा के लाओ। देखिए भाभी लेडीज कपड़ों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, अगर कुछ गलती हो गई शाम में ठीक करने टाइम नहीं मिलेगा, चलिए।
वरुण मुझे बाकी की सारी तैयारियां करनी है, तुम इतना सभी काम नहीं कर सकते हो, चलो गो प्लीज गो वरुण। बाकी तैयारी ये कर लेंगे ना, आप चलिए। और अगर पीछे से तुम्हारे भैया आ गए तो? तो उन्हें और भी बड़ा सरप्राइज मिलेगा। तुम उनसे पहले पहुंची थी ना, उन्हें पता भी नहीं होगा। हाँ दैट्स अ गुड आइडिया। क्यों आंटी? अच्छा बताओ लहंगा कहाँ है? पापा के कमरे में। मैं बस यूं गई और यूं आई। ओके कैसे पापा? बेटा तुम्हें करना ही होगा, यही तो हमारी परीक्षा है। लेट्स गो वरुण। चले बाय पापा। बाय बेटा। बाय एवरीवन। मुझे भी काम पहले कर लेना चाहिए था। वरुण इस लहंगे का रंग आज भी वैसा का वैसा ही है। शादी के जोड़े की बात ही कुछ खास होती है, एक अजीब सा प्यारा सा एहसास। लेकिन मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूं? तुम्हें थोड़ी ना ये बातें समझ आएंगी, शादी जो नहीं हुई है तुम्हारी। मैंने तो सोच लिया है वरुण कि जल्द से जल्द मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी। क्यों शर्मा गए? अरे इतना हॉर्न क्यों बजा रहे हो? सामने कोई नहीं है, आराम से। वरुण गाड़ी जरा आहिस्ते चलाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारा भतीजा जो आने वाला है, पता है वरुण पीयूष को आजकल मुझसे ज्यादा उसकी फिक्र है। मुझे तो लगता है उसके होने के बाद पीयूष मुझे भूल जाएंगे। जब भी मैं कोई एम्बुलेंस देखती हूँ ना, मेरे दिल से बस एक ही दुआ निकलती है कि उसमें जो कोई भी हो बस जल्दी से ठीक हो जाए। आराम से भैया आराम से। ललित <ललेक। laughs>
पीयूष चलो भैया चलो अंदर ले चलो पीयूष आराम से भैया आराम से पीयूष आप ये दिखाइए बाबू बाबू हम ये शर्ट ले ले बहुत अच्छी है ना बेटा शुभ मौकों पर काला रंग से भी आता है पैटर्न अच्छा है कोई और कलर देखो पा मैंने दी के लिए चूड़ियां ली है बहुत सुंदर है ना बहुत अच्छी है जल्दी करो हम लोग को देर हो रही है इन्हें जल्दी जल्दी पहुंच गए चलो कहां है वरुण यहां भाभी ये तो बंद है भाभी थोड़ी देर रुक जाते हैं खुल जाएगा दुकान अभी वरुण हमारे पास इतना वक्त नहीं है हमें घर भी पहुंचना है अब क्या करें हाँ यहाँ पीछे की लेन में एक शॉप है चलो वहीं चलते हैं भाभी मैंने यहाँ बात करके रखी है वरुण अब दुकान बंद है तो क्या करें तुम्हारे भैया भी आ जाएंगे चलो ना वरुण प्लीज चलो भाभी वरुण यहाँ हो जाएगा ना मैं पूछ के आता हूँ वरुण हो जाएगा ना हाँ भाभी आइए यस मैडम भाई साहब इस लहंगे के बॉर्डर की जरी निकल आई है बस इसे ठीक कराना है हो जाएगा ना जी हो जाएगा कितना वक्त लगेगा यही कोई करीबन 2 घंटे 2 घंटे नहीं नहीं भाई साहब हमारे पास इतना वक्त नहीं है जल्दी नहीं हो सकता है मैडम ये मशीन से नहीं होगा इसे हाथ से करना पड़ेगा इसकी पूरी बॉर्डर खुलेगी फिर ये ठीक होगी हाँ वो सब ठीक है लेकिन 2 घंटे तो बहुत भाभी ठीक हो जाएगा भाई साहब आप जितनी जल्दी हो सके कीजिए अर्जेंट है वरुण हमारे पास 2 घंटे नहीं है थोड़ा सा काम है आप चलिए ना हम बाहर वेट करते हैं भाई साहब प्लीज चलिए ना भाभी भाभी आप चलिए मैं अभी आया ओके भाई साहब आप समझ गए ना आप बेफिक्र रहिए थैंक यू मैं आपको कैसे बताऊं भाभी आप जिनकी खुशी के लिए सजना चाहती हो वो हमें जिंदगी भर का गम देके जा चुके हैं के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को